होते यातायात के लिए पुलिस कुछ अलग रंग में दिखी और भोर होते ही ट्रैफिक पुलिस प्रभारी अपनी टीम के साथ निगाही अमलोरी मार्ग पहुंचे और वाहनों पर कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस ने एक हाईवा, एक सवारी ओवरलोडेड बस व दो ओवरलोडेड पिकअप वाहन पर कार्यवाही की। इन वाहनों में कई तरह की अनियमितता पाई गई। सभी वाहनों की जब्ती भरकर न्यायिक पेशी हेतु थाना परिसर में खड़ा कराया गया। एसपी अभिजीत रंजन के निर्देशन में ट्रैफिक प्रभारी अजय प्रताप सिंह और उनकी ट्रैफिक टीम पिछले दो महीने से हर दिन नए कार्य करते हुए रचनात्मक दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। जारी कार्यवाही में रोड सेफ्टी वीक के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार प्रसार हो, ड्राइवरों की आंखों की जांच, निबंध प्रतियोगिताएं, एलईडी वैन पर जागरूकता सहित रात भर शराबी चालकों पर कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी सिंह ने बताया कि जब तक आम जनमानस के मन में ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर सजगता बोध नहीं आएगा कि यह ट्रैफिक नियम आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, तब तक यह जन जागरूकता और जन चेतना अभियान चलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि सिंगरौली यातायात पुलिस विगत दो माह से मोटरयान अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्यवाही में कुल 1135 प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 850,000 शुल्क जमा कराया गया है। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।